आज के वीडियो सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज इन फ्रांस। तो जैन भाई, आप सबसे पहले बताएं कि फ्रांस में जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, फ्रांस में जिस तरह से भी हर मुल्क में हमारे पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी होती हैं ताकि हम वहाँ पर जा सकें और पढ़ सकें। तो पहली बात के पाकिस्तान से जो बच्चे फ्रांस जाते हैं वो फ्रांस को ही क्यों चूज करें, तो उसका सीधा सा सिंपल जवाब यह है कि हमारे लिए एजुकेशन फैसिलिटीज बेस्ट होनी चाहिए हैं। एजुकेशन के साथ साथ जो अदर फैसिलिटीज हैं जिसमें हमारा लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह हो जाए या फिर दूसरे अखराजात हो गए, हमारे मेनली जो मेडिकल के जितने भी सहूलियात हैं वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो ये सब चीज़ें हमें फ्रांस में जो है बहुत इजीली अवेल हो जाती हैं। तो तो इसीलिए क्या हम फ्रांस को जो है चूज़ करते हैं ताकि हम पाकिस्तान से ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर जाएँ और तालीम हासिल करें। तो उसमें जो है जिस तरह से मैं खुद बेसिक एक स्कॉलरशिप पे गया था जिसे एक्सेलेंस मास्टर्स स्कॉलरशिप कहा जाता है, जो कि एक पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, और एक दूसरी जो बेसिक की तरफ से अनाउंस की जाती है जिसे मेक अवर प्लेनेट ग्रीन अगेन स्कॉलरशिप है, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो ये दो स्कॉलरशिप्स हैं जो कि हर साल एम्बेसी की तरफ से अनाउंस की जाती हैं, और इनका टाइम पीरियड भी जो है वो फिक्स है, जिस तरह से मार्च में ये अनाउंस हो जाएंगी, मार्च अप्रैल में और मई तक इन्होंने चलना है। तो एम्बेसी की वेबसाइट्स पे या तो आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन की स्कॉलरशिप जिसे हम कह सकते हैं कि भाई इरास्मंडस स्कॉलरशिप है, तो वो जो है यूँ भी कहा जा सकता है कि थ्रू आउट द ईयर चलती है या उनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं, उस पर जाके जो है उनके देखा जा सकता है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पर्सनली खुद स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस कर रही होती हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई एक आइडेक्स स्कॉलरशिप है फ्रांस में जो कि यूनिवर्सिटी पर्सनली बिहाफ पे जो है अनाउंस करती है, जिस तरह से एक ग्रिनोबल यूनिवर्सिटी होगी, पेरिस साकले यूनिवर्सिटी होगी, और तो ये दो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आइडेक्स स्कॉलरशिप अनाउंस करती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं जो यूनिवर्सिटी की इंटरनल मैटर्स में आ जाती है, मतलब आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें तो या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखें तो वहाँ पर आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं जो स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। हाँ, चले मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जो आपने स्कॉलरशिप बताई है इरास्मस मंदस, तो ये आपने जस्ट गूगल के ऊपर लिखना है इरास्मस मंदस प्रोग्राम कैटलॉग, तो ये उनका प्रोग्राम कैटलॉग खुला है, ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी डिजायर्ड फील्ड के कीवर्ड्स में ना सर्च कर सकते हैं। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, और हर प्रोग्राम के लिए आपको डिफरेंट कवर लेटर, जो वो लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, और सीवी जो है ना वो बनानी पड़ती है, फिर आपकी सिलेक्शन ईजिली हो जाती है। और दूसरी जो आपने बताई है कि अच्छा जैन भाई, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में बंदा रह के ये जो एम्बेसी वाली स्कॉलरशिप्स हैं ये कहाँ से ढूंढ कैसे सकता है? बंदे को नहीं पता होता कि ये मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म या वेबसाइट, वो बता दे अच्छा, कहीं। इसकी ये इस तरह से है कि भाई हमारे पास फ्रांस के लिए एक सिंपल हमारे पास जो है एक प्लेटफॉर्म है, एक ही प्लेटफॉर्म है, और हम वहां पर जाके तमाम स्कॉलरशिप देख सकते हैं। वो है कैंपस फ्रांस पाकिस्तान की अपनी खुद की जो वेबसाइट है, और उसके अलावा उनका फेसबुक पेज है, और फ्रांस की ही कैंपस फ्रांस बताएं। उसी हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने कैंपस फ्रांस पाकिस्तान लिखा है, और ये जो सबसे पहली स्कॉलरशिप है ये हम तीनों को ही मिली थी, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्सीलेंस मास्टर स्कॉलरशिप ये जो है पार्शली फंडेड है, दूसरी मेक आवर प्लेनेट ग्रीन स्कॉलरशिप है ये फुली फंडेड है, और एरास्मस प्लस वाली ये वही है एरास्मस मंदस। उसके अलावा आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ एक्सीलेंस है, ये आप जो है ना वो अपनी जिंदगी में एक ही बार इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये बड़ी कंपिटेटिव होती है, पाकिस्तान से एक या दो बंदा सेलेक्ट होता है हर साल। बाकी फिर अगर आपने PhD के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए HEC की स्कॉलरशिप होती है, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी डिटेल को चलें। जी। ये भी ठीक हो गया। अब आते हैं आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ एक्सीलेंस की तरफ, तो आपका एक्सपीरियंस है, आपने अप्लाई किया था अपने टाइम पे इसमें जो आईफल मैंने एक्सीलेंस? जी असल में आईफल का अप्लाई करने का प्रोसीजर इस तरह से होता है कि हमें यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना होता है, और यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे अप्लाई करती है, आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्शन हो जाती है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी इसके लिए अप्लाई किया था, तो इसकी कोई 9th of January हर साल की डेट होती है लास्ट यूनिवर्सिटी को अप्रोच करने की। तो आप ऐसा करते हैं, अपने जो आपका वो प्रोग्राम होता है उसके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करते हैं कि मैं इस तरह आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगी, CV, कवर लेटर, इस तरह की चीजें, रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह। तो फिर वो एक फॉर्म आपको देंगे ये इस स्कॉलरशिप का, वो आपने फिल करना होता है, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स आगे जो है ना वो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो लेकिन इसमें जो है वो चांसेस कम होते हैं, और एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी अटेम्प्ट में ना।
जी जी जिस तरह से एक हमने डिस्कस की थी आईडेक्स स्कॉलरशिप, तो आईडेक्स पे जो है आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली फिल करना नहीं होता, या किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको करना भी होता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है सबसे पहले आपने वहाँ पे एडमिशन गेन करना है। एक बार आपको एडमिशन मिल जाता है तो सिलेक्शन कमेटी देखती है कि क्या इस बच्चे को जो है हम आगे आईडेक्स स्कॉलरशिप की तरफ मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हाई जितना ज्यादा हाई एकेडमिक प्रोफाइल होगा किसी भी स्टूडेंट का तो उसे आईडेक्स स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाता है। तो बेसिकली इस स्कॉलरशिप में आपकी फीस तो माफ नहीं होती है, लेकिन आपको 8,000 यूरो पर ईयर जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं। और हाँ, ये वाली स्कॉलरशिप जो है ना आर्डिक्स मास्टर स्कॉलरशिप, ये एक तो ग्रेनोबल में ऑफर हो रही है, ग्रेनोबल एल्प्स जो है यूनिवर्सिटी यूजी है, और दूसरी यही सेम स्कॉलरशिप जो है ना वो पैरासाइक्लिंग में भी ऑफर हो रही है। तो इसके लिए अप्लाई करने का तरीका यही है, जब आप सिंपल प्रोग्राम के लिए, मतलब जो सिंपल आपकी एप्लीकेशन होती है किसी भी कोर्स के लिए वो अप्लाई करते हैं, तो लास्ट में ऑप्शन होता है कि आपने आर्डिक्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना या नहीं करना, तो वो आप सिंपली उसको ना सेलेक्ट कर दें, येस में कर दें, तो ये आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी। ये आगे पैरासाइक्लिंग में भी ऑफर हो रही है, इंटरनेशनल मास्टर्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम आर्डेक्स जो है ना पैरासाइक्लिंग में। और बाकी यार एक और यूनिवर्सिटी है यूबीएफसी, इनकी भी अपनी स्कॉलरशिप होती है जी, तो मैंने ये इनकी वेबसाइट खोली हुई है, अगर अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो वो यहाँ से इसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ले सकता है कि क्या तरीका कार है। और दूसरा, अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो आप अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को ईमेल करें कि मैं इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूं और मैं स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूं आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो भी आपको रिकमेंड कर देंगे कि ये स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है, आप इनमें अप्लाई कर लें। यूबीएफसी हो गई, और इसके अलावा सॉरी एक और है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स केमिस्ट्री, ये ना ग्रेजुएट स्कूल है यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग का, तो ये ना इंटीग्रेटेड मास्टर टू पीएचडी कोर्स ऑफर करते हैं कुछ 4 से 5 साल का आई थिंक सो, और इनकी भी ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। तो